अपने बच्चे समझाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सभी बच्चे पेन डाउन करके देखेंगे टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो बेटे, मेरे पास ये एक रिजिड स्पोर्ट है, रिजिड स्पोर्ट। रिजिड स्पोर्ट का क्या मतलब? ऐसी कोई चीज जिससे हम कोई चीज लटकाएं और वो स्पोर्ट हिले डुले ना। ये क्या, कोई भी मजबूत चीज जहां से कोई चीज बांधी जा सके, जैसे कमरे की छत हो सकती है, ठीक है? इसको रिजिड स्पोर्ट को हमने ऐसे दिखाया, राइट? फिर उसके साथ हमने एक पॉइंट पर स्ट्रिंग को लटकाया, धागा बांध दिया। बच्चे जिस पॉइंट पे इसको लटकाते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप कह सकते हो, सर अगर ऊपर से एक सरिया लगा है, आयरन का रॉड लगा है, तो आयरन के रॉड पर जहां मैं गांठ लगाऊंगा उसको एस सिंबल से लिखते हैं। एस स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन वर्ड जानते हो बच्चे कहां से लिया है? इंग्लिश के वर्ड सस्पेंड्स। यहां से इसको हैंग कर दिया, लटका दिया। ये 7th D अभी आई है, देखो इतना लेट। अब उसके बाद क्या है बेटे? उसके बाद हमने जैसे इस धागे के ऊपर कोई पर्टिकुलर पत्थर बांध दिया। सपोज करो हमने ये ऐसे कोई बॉल लटका दिया या पत्थर बांध दिया, इसको हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं बेटे? बॉब। कोई भी चीज जो बांधी है, राइट? और इस बॉब की एक शर्त है। क्या शर्त होनी चाहिए बेटे? जो बॉब का मास है ना, मास ऑफ बॉब, शाबाश, मास ऑफ बॉब शुड बी क्वाइट लार्जर देन मास ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा? ये वाला। आम शब्दों में बोलूं, मैं जिस धागे से लटकाया पत्थर को, छोटे से कंकर को, उस कंकर का भार धागे के भार के मुकाबले काफी ज्यादा होना चाहिए, ये बोल रहे हैं टीचर। और एक बात, ये जो स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से हमने लटकाया है, इसमें दो और शर्तें हैं। एक तो क्या है, इसकी पहली शर्त कौन सी है? लाइट वेटेड होने की वजह से हम इस स्ट्रिंग को क्या बोल सकते हैं बच्चे? मासलेस। मासलेस, मासलेस का मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं है कि मास जीरो है। मासलेस का मतलब ये है यहां पर कि स्ट्रिंग का मास बॉब के मास के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। और दूसरी शर्त क्या है स्ट्रिंग की बेटे? स्ट्रिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, धागा ऐसा नहीं होना चाहिए वो खींच के लंबा हो जाए, उसकी उसमें लचक का गुण नहीं होना चाहिए। यानी कि इन इलास्टिक, इलास्टिक का अपोजिट, इन इलास्टिक। देखो इलास्टिक के आगे टीचर ने इन लगा दिया, अपोजिट वर्ड बना दिया, लचकशील नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, इस स्ट्रिंग में कहीं भी गांठ नहीं लगी होनी चाहिए। स्ट्रिंग क्या होना चाहिए बेटे? नॉट फ्री, नॉट फ्री, गांठ के रहित होना चाहिए। ये स्ट्रिंग की खासियत है, ये शर्तें हैं इसकी। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना आप। जब मैंने ये बॉब, ये सारी स्ट्रक्चर बना दी, तो इसको मैं सिंपल पेंडुलम कहूंगा। बच्चा बोलेगा, सर इसकी खूबी क्या है? ध्यान से सुनो। देखो बेटे, जब मैंने ये सिंपल पेंडुलम बना दिया था, इसी पेंडुलम का छोटा फिगर बनाया टीचर ने। देखो ध्यान से सुनना, मैंने इस बॉब को
यहां से चुटकी से जर्क दे दिया, पत्थर को ऐसे थोड़ा सा हिट कर दिया, ये यहां तक जाएगा, फिर कंपन करता हुआ वापिस आएगा, फिर वापिस जहां शुरू हुआ था वहां पहुंच जाएगा। ऐसे इसका मोशन कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। देखो यहां सेंटर से राइट साइड पर, राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट पर, फिर बैक टू द राइट सेंटर, फिर चलता रहेगा। ये जो टीचर ने यहां पर आपको इसके मोशन के बारे में रिप्रेजेंट करके दिखाया पिक्चर में, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ओके, वन ऑसिलेशन। और एक बात, ऑसिलेशन का बिल्कुल आसान वर्ड क्या है? वाइब्रेशन, कंपन, कंपन, वाइब्रेशन। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, जब ये लगातार ऐसे ऐसे हिल रहा है तो उसके मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। यस, इंग्लिश में उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज में हम उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। तो इस तरह से जो उसका मोशन कंटिन्यूटी में है उसको क्या बोलते हैं बेटे? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, और एक बात, जो ऑसिलेटरी मोशन है इसका एक और नाम भी होता है। बच्चा बोलेगा सर मेरे आप हमें पता है, बच्चा बोलेगा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ठीक है, इंग्लिश में तो ये ठीक है वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन साइंस में ऑसिलेटरी मोशन को एक दूसरे साइंस की टर्मिनोलॉजी में जाना जाता है। इसका नाम ये भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और शॉर्ट में बोला जाए इसकी एब्रीवेशन बहुत पॉपुलर है, SHM, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या चीज है? आप कहोगे सर सिंपल पेंडुलम के बॉब के मोशन की नेचर है। क्या मतलब? बॉब जो है, ध्यान से सुनो, जब ऐसे 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 कंपन करता है तो स्ट्रेट लाइन में तो जा नहीं रहा, सर्कल में तो घूम नहीं रहा, तो इसके मोशन की नेचर ना तो सर्कुलर हुई ना तो स्ट्रेट लाइन हुई, इसके मोशन की नेचर टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। तो ऐसा मोशन जो होता है कंपन वाला, टू एंड फ्रो वाला, उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो बच्चा कहेगा सर इसके लिए आपने एक और वर्ड बोला, कैन आई कॉल इट टू एंड फ्रो मोशन? बिल्कुल सही, टू एंड फ्रो मोशन भी इसको बोलते हैं। और एक बात, योर अटेंशन, जो चीज कंपन वाला मोशन शो कर रही है यानी कि बॉब ऑफ द पेंडुलम, उसको साइंस की टर्मिनोलॉजी में कंपन कर रही चीज को हम ऑसिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? हैं ऑसिलेटर। बच्चा मेरे को बोलेगा सर अभी अभी तो आप इसको बॉब भी कह रहे थे जब आपने बोला था धागे से पत्थर बांध दिया तो बॉब है। यस, इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको बॉब बोलेंगे। साइंस के टर्म्स में कंपन करने वाली चीज को ऑसिलेटर बोलते हैं। इसी ऑसिलेटर को हम इंग्लिश की लैंग्वेज में वाइब्रेटर भी बोल सकते हैं। वाइब्रेटर क्या बोल सकते हैं बेटे? वाइब्रेटर। और सुनो अगली बात, योर अटेंशन,
शाबाश, इतनी सारी बातें बताई आपको। अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ ले कि सर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो मैं उसको बोलूंगा ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्ट्रिंग और उसके बॉब की बनी होती है। स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल होता है और बॉब का काफी ज्यादा होता है। अगर बॉब को इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये इस तरह से वाइब्रेशन वाला मोशन कवर करेगा। इसको हम सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। तो सभी बच्चे इतना डायग्राम बनाने के बाद व्हाट इज सिंपल पेंडुलम का आंसर लिखेंगे। लिखो, सिंपल पेंडुलम इज ए स्ट्रक्चर। शाबाश, राइट डाउन बेटे। सिंपल पेंडुलम इज ए स्ट्रक्चर एंड सेटअप। स्ट्रक्चर एंड सेटअप कॉमा कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग सस्पेंडेड कॉमा टाइड टू ए बॉब। क्या क्या बोला टीचर ने? सिंपल पेंडुलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें एक आइडियल स्ट्रिंग होता है और उसके साथ बॉब को बांधा होता है, लटकाया होता है। अब मेरे से बच्चा पूछेगा, सर आपने एक वर्ड यूज करा आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल का मतलब तो आदर्श होता है इंग्लिश में, तो साइंस में इसका क्या मतलब? यू सर एक बार अंडरस्टैंड? रिपीट करना। इंग्लिश में पूछो पहले, इसी पॉइंट को इंग्लिश में पूछो। कैसे पूछो? रिपीट अगेन। सर प्लीज रिपीट अगेन, ये सिंपल लैंग्वेज। और अच्छा सेंटेंस क्या आता है? सर विल यू प्लीज पार्डन द लास्ट पॉइंट, पार्डन प्लीज, पार्डन, ऐसे। ठीक है, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ आपका कम्युनिकेशन। सो बेटे मैं ये बोल रहा हूँ, धागा होना चाहिए आइडियल और उसके साथ कोई बॉब लटकाया हो। इस स्ट्रक्चर को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, ये डेफिनेशन बनी। अब बच्चे बोलेगा, सर आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? धागा तो हम समझते हैं स्ट्रिंग, लेकिन डोरी तो हम समझते हैं स्ट्रिंग। आइडियल डोरी का क्या मतलब हो? आइडियल डोरी वो होती है जिसमें ये तीन गुण हो। लिख दो, शाबाश। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रिंग? व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रिंग? आंसर लिखोगे बच्चे? एन आइडियल स्ट्रिंग हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। एन आइडियल स्ट्रिंग हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके तीन गुण होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट, इट शुड बी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक। सेकेंड पार्ट, इट शुड बी नॉट फ्री। नॉट फ्री। इन इलास्टिक मैंने लचक नहीं होनी चाहिए, खींच के लंबा नहीं हो सकना चाहिए। नॉट फ्री, गांठ नहीं होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इट्स मास शुड बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द बॉब। इट्स मास शुड बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मैंने नाम मात्र। नेग्लिजिबल के स्पेलिंग देखेंगे सभी बच्चे, नेग्लिजिबल इट्स मास शुड बी नेग्लिजिबल। उसका मतलब क्या है? इट्स मास शुड बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द बॉब। मास ऑफ द बॉब। तो इस ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है ना हमने आइडियल स्ट्रिंग वाला, उसका मेमोरी टूल क्या बना?
ये बना बेटे मेमोरी टूल, देखो बॉक्स में, स्टार वाले बॉक्स में देखो टीचर ने मेमोरी टूल बनाया, कोई वो भी अल्फाबेटिकली, पहले आई फिर के फिर एम। कोई बच्चा बता सकता है आई किसके लिए है? इन इलास्टिक। के किसको पॉइंट करता है? कोई बच्चा बता सकता है? नॉट फ्री। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई बच्चा बता सकता है? मासलेस। मासलेस। शाबाश। तो ये तीन करेक्टर्स मेमोरी टूल बना लो, आइडियल स्ट्रिंग शुड बी आई के एम, आई के एम। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में टीचर ने इतनी सारी बातें बताई, अभी और भी काफी सारी बातें बतानी है इसके बारे में, और भी काफी सारी बातें। तो बिफोर गोइंग फर्दर टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड सो फार, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? अगर नो तो लेफ्ट, राइट तो यस। जिन बच्चों का कोई हाथ नहीं खड़ा वो मेरी क्लास छोड़ दें, प्लीज बाहर चले जाएं क्लास से, जिनका कोई हाथ नहीं खड़ा दोनों में से। ओके शाबाश। नाउ अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में आगे बात करेंगे। So, मैं इसको मेमोरी में स्टोर कर रहा। देखो कितनी सारी बातें बताई थी, एक बार दोबारा देखें। ये देखो सॉरी, ये इतना कुछ सीखा था। देखो कितने वर्ड आए, नेग्लिजिबल, ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक, टू एंड फ्रो, वाइब्रेटरी, बॉब, स्ट्रिंग, आइडियल, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कितने सारे टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे पास। ओके सो अब हम आगे चलते हैं बेटे, सेकंड पॉइंट, सिंपल पेंडुलम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम कंटिन्यूड। देखो ध्यान से सुनो, जब टीचर ने ये सिंपल पेंडुलम बनाया था, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से धागा लगा के बॉब लगा दिया था, ओके? तो आपको पता होना चाहिए कि इस बॉब, इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है। लेंथ तो बहुत से बच्चे सोचते हैं, सर इसमें क्या बड़ी बात है, जो धागे की लंबाई होएगी वही तो पेंडुलम की लंबाई होएगी। यहां तक रॉन्ग, धागे की लंबाई पेंडुलम की लंबाई नहीं होती, बल्कि जो हमारा बॉब है उसके अंदर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को सी जी बोलते हैं। सी जी, सी जी क्या होता है बाद में बताता हूं। इस पॉइंट तक की लंबाई को लेना होता है आपने, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सीजी तक जितना लेंथ बनता है, दैट एल इज रिप्रेजेंटेड एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका यूनिट क्या होता है लेंथ में बेटे? ऐसा ही यूनिट इंटरनेशनल, क्योंकि ये लेंथ है मीटर। अब बच्चे कहेगा, सर एक चीज आप बता देते हो दूसरा नया पॉइंट निकल आता है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे पेपर में? आप बोलोगे लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस टू दी पॉइंट सी जी। सी जी किसका होगा? हमेशा बॉब का। बॉब को साइंस की लैंग्वेज में हमने क्या बोला था? ऑसिलेटर। अब यहां पर बच्चा बोलेगा, सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन एक नया पॉइंट माइंड में आ गया, ये सीजी क्या होता है? सीजी ध्यान से सुनो, सीजी का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सर ये क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज दिस? सुनो, जब भी किसी बॉडी का भार देखना होता, भार, वेट, तो वेट क्या है? एक फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी धरती की तरफ खींचती है। ये देखो मेरे हाथ में ये रिमोट है, अगर ये रिमोट जमीन की तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। इफ आई लीव इट इट फॉल्स डाउन, इसका मतलब ये एक, इसको नीचे को एक फोर्स खींच रहा है जो धरती लगा रही है इसके ऊपर, उस फोर्स का नाम होता है वेट। अब ये फोर्स जो होता है, वेट रूपी फोर्स, बॉडी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करता है, एक खास पॉइंट पर अप्लाई होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए गिवन बॉडी। आप आंसर क्या लिखोगे? इट इज द पॉइंट इन द बॉडी वेयर ए फोर्स, नेमली वेट, एक्ट्स ऑन द बॉडी। बॉडी के जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर वेट रूपी फोर्स लगता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को सीजी के नाम से जानते हैं साइंस में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर बॉब इतना बड़ा है, इतना बड़ा बॉब है ये वाला बॉब, तो उसके टॉप के ऊपर तो होएगा नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो बीच में कहीं होएगा, इसलिए धागे की व्हाइट कलर की लंबाई से भी आगे निकल जाएगा सेंटर तक, तब जाके आपका लेंथ ऑफ द पेंडुलम बनेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। शाबाश, तो योर अटेंशन, और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तक टीचर ने कितनी बातें बताई? दो बातें बताई। अगली बात बेटे ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पॉइंट में टीचर कलर चेंज करके लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटे। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से टीचर ने बॉब की ये पोजीशन दिखाई, आपको टीचर ने बोला था बॉब इस पोजीशन से इसमें जाएगा कंपन करता हुआ, फिर यहां से यहां पहुंचेगा सिमेट्रिकली, फिर यहां पहुंचेगा। तो जहां पर ये ओरिजिनली था उस पोजीशन को बोलते हैं एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। और ये यहां से जहां पर टीचर येलो कलर का डॉट लगा रहा है, सॉरी येलो कलर का कलर नहीं चेंज हुआ, येलो कलर का डॉट लगा रहा है, यहां से ये वापिस आता है और इधर भी येलो कलर से डॉट लगाता है, यहां से फिर वापिस जाता है मेन पोजीशन की तरफ। ये दोनों येलो डॉट को एक स्पेशल नाम से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ईपी राइट साइड, और ये ईपी सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड। ईपी का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। और टीचर ने ये व्हाइट कलर से जो मोशन दिखा रखा है टू एंड फ्रो, देखो कौन सा मोशन, ध्यान से सुनो, मेन पोजीशन से किधर, एक्सट्रीम पोजीशन राइट तक, एक्सट्रीम पोजीशन राइट से एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट तक, एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट से बैक टू द मेन पोजीशन। ये जो टीचर ने दिखाया, इसको टीचर ने वन ऑसिलेशन बोला था, पहले भी बताया था, लेकिन नई बात यह है कि इस वन ऑसिलेशन को कवर करने के लिए ये पेंडुलम का बॉब
जितना टाइम ले लेगा, टोटल टाइम ले लेगा, घड़ी में देख के इतने टाइम में इसने वन ऑसिलेशन पूरी करी, उस टाइम ड्यूरेशन को कैपिटल टी से लिखते हैं और उसका नाम होता है टाइम पीरियड। लिखो, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप लिखोगे इसका आंसर, इट इज द टाइम ड्यूरेशन, इट इज द टाइम ड्यूरेशन विद इन विच, इट इज द टाइम ड्यूरेशन, ये समय की वो अवधि है जिसके अंदर अंदर विद इन विच द ऑसिलेटर बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन, कंप्लीट्स इट्स वन ऑसिलेशन। देखो टीचर ने सारी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी है, कंप्लीट्स इट्स वन ऑसिलेशन। अच्छा अब एक बात और ध्यान से सुनना, योर अटेंशन। अब एक नई टर्म आएगी, नई टर्म कौन सी, उस टर्म का नाम है बेटे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, और सबसे पहले, उससे भी पहले मैं बताना चाहूंगा, टाइम पीरियड का ऐसा ही यूनिट होता है इंटरनेशनल यूनिट, सेकेंड, सेकेंड। अब एक टीचर ने नई टर्म लिख दी फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार, ध्यान से सुनना इसका मतलब। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि आपने अपनी घड़ी में, ध्यान से सुनो, 10 सेकंड तक नोट करना है कितनी ऑसिलेशन कवर करता है, मैंने उसको बोला उधर से बॉब को हिला दो, वो अपनी ऑसिलेशन कैलकुलेट करेगा, ऐसे वाली ऑसिलेशंस कितनी कवर करता है 10 सेकंड के अंदर अंदर। मेरा बच्चा बोलता है सर 10 सेकंड के अंदर अंदर इसने 30 ऑसिलेशंस कवर कर दी, कितनी, 30। अगर 10 सेकंड में 30 कवर कर दिए, 30 ऑसिलेशंस इन 10 सेकंड्स, तो 1 सेकंड में कितनी करी बेटे, 1 सेकंड में? आप कहोगे सर डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल, आप कहोगे सर 30 ऑसिलेशन को 10 से थ्री डिवाइड कर दो, 3 आएगा, 3 ऑसिलेशन 1 सेकंड में। ये जो 3 है ना, ये क्या है, कितनी ऑसिलेशन कवर करी, कितने टाइम के अंदर अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर। जितनी ऑसिलेशंस हमारा ऑसिलेटर 1 सेकंड में कवर कर दे, उसको डेफिनेशन के मुताबिक उस गिनती को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये 33 ही आएगा आंसर हर बार, ना ना ना, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, 30 को 10 से डिवाइड करा था, किसी और केस में 50 ऑसिलेशंस हो सकती हैं 10 सेकंड में, तो वहां पर आंसर 5 आएगा, किसी और पेंडुलम में 60 ऑसिलेशन 15 सेकंड में हो सकती हैं, यहां पर आंसर 4 आएगा। तो 1 सेकंड में कोई हमारा गिवन पेंडुलम कितनी ऑसिलेशंस कवर करता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लिखो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आंसर फ्रीक्वेंसी, आंसर लिखो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी का आंसर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम मींस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम मींस हाउ मेनी टाइम्स द बॉब, हाउ मेनी टाइम्स द बॉब कंप्लीट्स इट्स ऑसिलेशन, कंप्लीट इट्स ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड।
दूसरे शब्दों में इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, चाहो तो वो लिख लो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय ए सिंपल ऑसिलेटर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय सिंपल पेंडुलम बॉब इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय सिंपल पेंडुलम बॉब इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद करना है, इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। इसका यूनिट होता है बच्चे एच, और के उसके साथ छोटा सा जेड, एच जेड। इस एच जेड को क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो, इधर बना रहे हैं टीचर कलर चेंज करके, एच जेड को क्या लिख रहे हैं टीचर, गौर से देखो, एच जेड का फुल फॉर्म होता है हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। हर्ट्स इज द फ्रीक्वेंसी यूनिट। तो कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है, सर फ्रीक्वेंसी और सिंपल पेंडुलम में कोई रिलेशन है? यस, दोनों में ये फॉर्मूले का रिलेशन होता है। सभी बच्चे नोट कर ले, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बॉक्स में डाल दो इसको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आप नीचे लैंग्वेज लिखो, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के स्पेलिंग देखो, रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर, RECIPROCAL। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। अब लास्ट पॉइंट बताऊंगा, फिर असाइनमेंट करेंगे जितना भी है वक्त। देखो बेटे, ये जो टाइम पीरियड टीचर ने अभी अभी समझाया, कोई बच्चे कहता है सर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला है, टू लिखो, पाई लिखो, एल लिखो, जी लिखो, डिवाइड करो, ब्रैकेट बनाओ, इस ब्रैकेट का अंडर रूट करो, ये फॉर्मूला होता है। लिख लो इसको, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें बच्चा बोलेगा सर पाई क्या होता है? याद रहे पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3.14। सारी जिंदगी के लिए इसको रट्टा मार लो, कभी भी साइंस में इसकी वैल्यू पुट करनी पड़े तो यही पुट कर सकते हो, या 22/7 भी यही मतलब होता है, या 355/113, ये भी ए पाई की वैल्यू होती है। कोई बच्चा बोले सर टू तो मैं हम समझ गए हैं, एल क्या वही है लेंथ ऑफ द पेंडुलम? यस, एल मैंने लेंथ ऑफ द पेंडुलम। कोई बच्चा बोले सर इसमें स्मॉल जी क्या आ गया? स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इतना नाम है इसका, और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है, रट्टा मार लो, 9.8 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। अगर अप्रोक्सीमेटली लेना है इसको तो आप 10 भी ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देना, वैसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्रेफर करनी चाहिए। जी का मीनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रट्टा मार लो, और इसकी यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर जाके हमारा सिंपल पेंडुलम का आर्टिकल कितने सारे पॉइंट हो गए, अगर आप काउंट करोगे तो 15 पॉइंट हो जाएंगे, कम से कम 15 पॉइंट कंप्लीट हुआ। जल्दी से फटाफट असाइनमेंट में आ जाओ, जल्दी से।
शाबाश, पेज नंबर 2 पेंडुलम का हेडिंग दे रखा है असाइनमेंट में, पेज 2। बोलता बेटे, व्हाट फोर्स मेक्स ए सिंपल पेंडुलम स्विंग बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन? कौन से फोर्स की वजह से ये स्टार्टिंग पोजीशन पर आता है? ध्यान से सुनो, इसका ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी यहां पर था, बॉब यहां चला गया, उसको वापिस कौन खींचता है? आप बोलोगे ग्रेविटी। सभी बच्चे इसको ग्रेविटी टिक कर लो। सेकंड पॉइंट, शाबाश, सर फ्रीक्वेंसी। टाइम फॉर ए पेंडुलम टू कंप्लीट ऑसिलेशन। शाबाश, फर्स्ट का हमने बी ऑप्शन लिखा था, सेकंड क्वेश्चन का एक बच्चे ने शुरू में ही बता दिया, फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे, द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन फुल, ना 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 बेटे, टाइम पूछे, टाइम, सॉरी, सेकंड में टाइम को तो बोलेंगे ना, इसने दिया पीरियड लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, पीरियड को करेक्ट कर लो, उसका पूरा नाम लिखो, टाइम पीरियड। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन का सी ऑप्शन है टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, अच्छा इसने देखो, मैंने टू एंड फ्रो वर्ड बोला था, इसने एक वर्ड लिखा है बैक एंड फोर्थ, लिखा है कि नहीं बच्चे? यस बैक एंड फोर्थ को भी एस एच एम मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ये भी एक नाम होता है उसी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, इतने सारे नाम। थर्ड क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू इट्स टाइम पीरियड? अगर व्हाट लेंथ इंक्रीजेस। ना, देखो बेटे टाइम पीरियड का फार्मूला ये था कि नहीं? तो अगर एल बढ़ेगा तो टाइम टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है। ओके, अगर एल की वैल्यूज मान लो पहले 50 थी, 50 की बजाय मैंने 100 कर दी, तो 100 का अंडर रूट का आंसर ज्यादा आएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो आप लिखोगे टाइम पीरियड इंक्रीजेस। अगर लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, थर्ड का सी ऑप्शन। लेट्स प्रोसीड फर्दर, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पेंडुलम पीरियड? गौर से देखो बेटे, इसके इसके अंदर फार्मूले में कहीं भी मास नहीं आया, मास आया ही नहीं है एम। चाहे पत्थर भारी लटका दो, चाहे हल्का लटका दो, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, तो आप लिखोगे फोर्थ ऑप्शन में, मास ऑफ द टाइम पीरियड कैन नॉट इफेक्ट द, मास ऑफ द बॉब कैन नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि मास का एम सिंबल फार्मूले में कहीं आया ही नहीं, इसका मतलब है टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द पेंडुलम इफ इट इज टेकन टू द मून वेयर ग्रेविटी इज वीकर? देखो बेटे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला टीचर फिर से लिख रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी जो मून के ऊपर होती है वो अर्थ वाली ग्रेविटी का सिक्स्थ पार्ट होती है, 1/6। और अर्थ की ग्रेविटी कितनी बताई थी टीचर ने अभी अभी? 9.8, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मून की ग्रेविटी होती है। तो जब ग्रेविटी कम हो जाएगी, देखो ग्रेविटी कहां पर आ रही है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली चीज जब कम होती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे जिस बॉब को आप अर्थ से मून पे लेके जा रहे हो उसमें टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी तो अर्थ की ग्रेविटी के सामने बहुत कम होती है, इतनी कम कि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, 1/6। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटे, टू पेंडुलम ऑफ डिफरेंट लेंथ हैविंग वेट इतना विद रेफरेंस टू पेंडुलम आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पेंडुलम
पेंडुलम ए का टाइम पीरियड ज्यादा होगा बी के मुकाबले? ए का ज्यादा होगा, यस या नो बताओ बेटे। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, लेंथ ऑफ द ए पेंडुलम ज्यादा दे रखी है लेंथ ऑफ द बी से, क्योंकि ये 30 मीटर दे रखी है ज्यादा ये, होगा। और ये 18 मीटर दे रखी है। मास ऑफ द पेंडुलम ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ द बी, ये नहीं, रिवर्स है सॉरी, मास ऑफ द ए इज लेस देन मास ऑफ द बी। इसका मास कितना दे रखा है? 50 kg। इसका कितना दे रहा है? 20 kg। मास पे तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए हमने इसको देखना ही नहीं, ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमने लेंथ को देखना है, क्यों? टाइम पीरियड के फार्मूले में तो लेंथ ही होती है ना, मास तो होता नहीं। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। इसका टाइम पीरियड ए का ग्रेटर देन है टाइम पीरियड बी से, ओके, क्योंकि 30 इज मोर देन 18 मीटर। पेंडुलम ए हैज, इसमें देखो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, बस सिक्स्थ में ए वाला करेक्ट है। पेंडुलम ए हैज लोअर देन बी, बी वाला रॉन्ग है। बोथ पेंडुलम्स हैव सेम टाइम पीरियड, सी वाला रॉन्ग है। डेटा इज इनसफिशिएंट, डी वाला रॉन्ग है। आपका सेवंथ क्वेश्चन बस थोड़ा सा रह गया, एक एक दो मिनट चाहिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इफ इट टेक्स 42 सेकेंड्स टू 20 ऑसिलेशन? 20 ऑसिलेशन के लिए 42 सेकेंड्स, 42 सेकेंड 20 ऑसिलेशन के लिए, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम निकलेगा? 40/20, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो कितना आया बेटे? 21/10, मतलब 2.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकालने का क्या तरीका होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऊपर लिख, नीचे लिखना है, ऊपर क्या लिखना है बेटे? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो फिर से देखो ये फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। 42 सेकेंड्स को 20 ऑसिलेशन से डिवाइड करा तो इतना टाइम आ गया। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इफ इट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स? 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, तो एक बार कितनी में करेगा? 4 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 1/5 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आएगा कौन से क्वेश्चन का? एट्थ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ, उनके मास बराबर हैं, उनके टाइम पीरियड की रेशियो बताओ। अगर दो पेंडुलम के टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी हो और दोनों की लेंथ बराबर दे रखी हो, जब लेंथ बराबर होती है तो टाइम पीरियड बराबर होते हैं, इस फार्मूले से पता लगा। तो इसका मतलब है ये बराबर हो गए दोनों, दोनों चीजें बराबर होने पर कट के आंसर आएगा 1। व्हेन लेंथ्स ऑफ द पेंडुलम्स आर इक्वल, यार टाइम पीरियड इक्वल होते हैं, चाहे एक बॉब भारी हो चाहे हल्का हो, उससे हमें भार से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है बेटे, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। अजर्शन एंड रीजन, अजर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन नंबर 10, अजर्शन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, रीजन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अजर्शन में ए सिंपल पेंडुलम विद शॉर्टर स्ट्रिंग ऑसिलेट्स फास्टर देन वन विद लॉन्गर स्ट्रिंग। नेचुरली जिसका टाइम पीरियड छोटा होगा वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, और टाइम पीरियड उसी का छोटा होता है जिसकी लेंथ छोटी होती है। इसका मतलब अजर्शन सही हुआ। रीजन, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीजेस, गलत। लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है,
लास्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ असर्शन, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम फॉल्स। नो चेंजेस विद द मास, नो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड, कैसे पता? टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं भी मास आता ही नहीं, इसलिए टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। रीजन, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। रीजन सही है। ओके रीजन सही है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। राइट रीजन अपने आप में स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन। और 10th के ए पोर्शन में रीजन सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है उसका। यहां पर एक्सप्लेनेशन रीजन अजर्शन का एक्सप्लेनेशन है नो, यहां पर रीजन अजर्शन का एक्सप्लेनेशन है यस। यहां पर तो रीजन ही गलत है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो बाकी के जो जो क्वेश्चन है ये हमें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बेटे, इस तरह से हमारा सिंपल पेंडुलम का आर्टिकल खत्म हुआ और उसके क्वेश्चंस भी। अब सारे बच्चे जवाब दो, आज का लेक्चर आपको समझ आया? से यस। मैं वाइंड अप करने लगा हूं क्लास को। नहीं कर दिया? चलो ठीक।